हेलो स्टूडेंट, मैं शिव। फ्री ऑनलाइन टैली क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको कंप्लीट टैली सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री। इसके लिए मैंने फ्री ऑनलाइन टैली क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। इस प्लेलिस्ट में टैली की सारी वीडियो क्लास वाइज क्रम से रखी पड़ी होंगी, आप उस वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। टैली की पहली क्लास शुरू करने के पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं टैली सीखने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट पहले आपको बताता है कि हमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में आपको सिखाएंगे। तो इसी तरह पहले हम जानेंगे कि मैं आपको इस सीरीज में क्या क्या सिखाऊँगा। तो पहले चलते हैं हम लोग टैली के सिलेबस के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा जो टैली के पूरे कोर्स है, मैंने पूरे टैली के कोर्स को 4 यूनिट में बांटा है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, फिर उसके बाद यूनिट थर्ड और उसके बाद यूनिट फोर्थ। अब हर यूनिट में मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ानी है। जैसे पहला टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली क्या है, टैली का हम यूज क्यों करते हैं, ये टैली के वर्जन्स क्या क्या हैं, इन सारे चीज़ों को डिटेल में हम लोग पहले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग क्या है, चूँकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उस टैली को सीखने के पहले हम पहले अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद टैली के कंपनी इन्फो के बारे में जानेंगे, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, बैकअप कैसे करते हैं, रिस्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग कंपनी इन्फो के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे। टैली में अकाउंटिंग ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना अकाउंटिंग ग्रुप को आप टैली में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। फिर उसी तरह हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स है, जो कि हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन्स को पोस्टिंग करने के काम में आता है, ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है। फिर उसके बाद हम लोग कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी के बारे में जानेंगे। फिर टैली के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे वाउचर को इंसर्ट करना, डुप्लीकेट वाउचर, वाउचर को कैंसिल करना, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल वाउचर्स की क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। चेक की प्रिंटिंग क्या होती है, सेंट्रियो क्या होती है, शॉर्टकट कीज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम यूनिट फर्स्ट के बाद यूनिट फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे। और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद एक हम लोग एक रिवीजन या टेस्ट के रूप में एक क्लास रखा जाएगा कि आपने यूनिट फर्स्ट में क्या क्या सीखा। यूनिट फर्स्ट के बाद हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड कम्प्लीटली अकाउंट के बेस पे है, जैसे कि कैशबुक क्या होता है, कैशबुक में सिंपल कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, थर्ड कॉलम कैशबुक कि कैसे हम लोग मैनुअली एंट्री करेंगे, टैली में कैसे बनाएंगे, हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड के फर्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, टैली में इसको कैसे देखते हैं, इन सारे चीज़ों को दूसरे टॉपिक में सीखेंगे। फाइनल अकाउंट के बारे में जानेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनता है और उनका रिपोर्ट कैसे देखता है और हमें रिपोर्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चौथे टॉपिक में हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मल्टी करेंसी, डिफाइन क्रेडिट लोड, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का यूज कैसे हम टैली में कर सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशंस के बारे में, सर्च फिल्टर और सॉर्टिंग और बजट एंड कंट्रोल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि यूनिट सेकेंड में हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक एक टॉपिक हो सकता है कि एक वीडियो में न हो, इसके लिए हमें 2 या 3 से 4 वीडियो बनाना पड़े। तो जो भी वीडियो मिलेगी सारे क्रम से क्लास वाइज बनेगा। यूनिट फर्स्ट के बाद हम लोग यूनिट थर्ड में आएंगे, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखेंगे कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूएम क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, सेल और परचेज इनवॉइस क्या होता है, और बिल रेफरेंस की एंट्री कैसे करते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग तीसरे टॉपिक में सीखेंगे। चौथे टॉपिक में गोडाउन को कैसे हम टैली में मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों यहाँ के बाद हम ऑर्डर के बारे में क्या है, ऑर्डर क्या होता है, री ऑर्डर लेवल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। बीओएम के बारे में जानेंगे, एडवांस इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, इनवॉइस और हमारा इन्वेंट्री वाउचर्स क्या क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, हम इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में जानेंगे टॉपिक में। फिर पीओएस का यूज कैसे करते हैं, पेरोल क्या होता है, टैली में पेरोल का क्या यूज है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सारे चीज़ों को हम पेरोल के टॉपिक में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है यूनिट फोर।
यूनिट 4 जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, इसमें हम लोग सारे टैक्सेशंस के बारे में सीखेंगे। टैक्स में जो हमारा चल रहा है जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और वैट के बारे में हम लोग कम्प्लीटली कैसे इसको टैली में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग टैक्स पहले टॉपिक में सीखेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन जीएसटी का के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है हम जीएसटी के अंतर्गत करेंगे। तीसरा, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका यूज क्या है हमारे कंपनी में, हम तीसरे टॉपिक पे सीखेंगे। टैली में टीडीएल फाइल का क्या यूज है, क्यों हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को चौथे टॉपिक में सीखेंगे। पांचवें में हम अपने किसी टैली रिपोर्ट्स को कैसे ईमेल के थ्रू किसी को भेजेंगे, हम ये लास्ट टॉपिक में सीखेंगे। इस तरीके से हम आपको चार यूनिट में पूरी कंप्लीट टैली सिखाएंगे। जो भी कहीं पे भी आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, इनसे बढ़कर कोई, इनसे ज़्यादा कोई टॉपिक हो नहीं सकता, बिल्कुल फ्री में आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसे ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को मैं शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट टैली की क्लास में। थैंक यू।